कल लोजपा रामविलास के प्रधान महासचिव संजय पासवान दरभंगा आए थे। मृतक परिवार से मिलने के बाद जब मुखिया नागेश्वर पासवान के घर मिलने आए थे तो मिलने के उपरांत हमसे बातचीत में उन्होंने बताया कि नौजवान आशु पासवान जिन्हें एक अज्ञात कार ने जानबूझकर साजिश कर कुचलकर हत्या कर दी। आशु पासवान ग्राम गड़िया का रहने वाला था। लोजपा रामविलास के प्रधान महासचिव संजय पासवान व दरभंगा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा ने सीधे सीधे सदर थाना के थाना प्रभारी अमृतलाल साहब पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत थी। जिस तरह गाड़ी पर सवार लोग थे और उसके इलाज के बहाने छोड़ा गया, यह बिल्कुल प्रशासन की मिलीभगत है। इन्हें मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि इसका मैं लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को और बीजेपी को सदर थाना प्रभारी का शिकायत दर्ज करूँगा। संजय पासवान जी ने कहा कि इस मामले में मैं जब थाना प्रभारी अमृतलाल शाह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। बाकी उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो सर दरभंगा आए थे, क्या उद्देश्य था, कोई कार्यक्रम था क्या? हम लोग गए थे आशु पासवान को अज्ञात कार ने चलकर हत्या कर दिया। आज फिर परिवार सब लोग मिलने गए थे। उस नौजवान को जान बूझ कर कुचला गया। कुचलने का मतलब ये है कि हत्या की गई और पुलिस प्रशासन जो यहाँ के सदर थाना प्रभारी है उनको लगता है कि उसकी मिली भगत है। और वो जो है जो गाड़ी पर सवार लोग थे उसके इलाज के बहाने उसको छोड़ा गया, ये बिल्कुल प्रशासन की मिली भगत है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसका लिखित रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को DGP को लिखित रूप से थाना प्रभारी का शिकायत करेंगे। और साथ ही साथ आज मैंने जब फ़ोन लगा के बात किया तो मैं पार्टी का प्रधान महासचिव होने के नाते और आशु पासवान का चर्चा किया, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, ठीक से बात नहीं किया। इसकी भी चर्चा हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। सर तो जैसे दरभंगा में देखने को मिल रहा है लगातार पासवान पर अत्याचार हुए जा रहे हैं, फिर भी जब रिपोर्ट दर्ज करते हैं थाना में जाके तो कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो भी कार्रवाई नहीं करेंगे पदाधिकारी, चाहे किसी भी विभाग के पदाधिकारी हो, थाना के हो या उसी विभाग के, जो अनदेखी हमारे कार्यकर्ता के का करेंगे वो नपेंगे निश्चित रूप से। सर सरकार तो आपकी, आप भी है सरकार पे, इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी निगलिजेंसी करेंगे अधिकारी वो नपे जाएंगे। सर हाल ही में देखा गया कुशेश्वर स्थान में एक हेड मास्टर के द्वारा पूरे पासवान समाज पे गाली दिया गया और उस पर जब मोती पासवान कुछ ऐसे नाम है जो शिकायत दर्ज, जानकारी नहीं है हमको, जानकारी आपको नहीं? मैंने साक्षात रूप से जिस विषय पर जानकारी हमें है, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि जो भी अधिकारी आशु पासवान के मामले को दबाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। सर एक राजनीतिक सवाल है आपसे, आपका 100% स्टैकेट रहा आपकी पार्टी का, इससे सब आपकी पार्टी में काफ़ी खुशी का माहौल भी देखा गया। सर आगामी विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, इसके लिए क्या तैयारी चल रही है? NDA गठबंधन जितनी भी सीटें लड़ेंगी 100% स्टैकेट रहेगा और सरकार बनाएंगे हम लोग। सर तो ये चुनाव जो लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव, चिराग पासवान क्या मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे? अभी गठबंधन में हम, गठबंधन के बाहर इस बात की चर्चा नहीं होगी। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है आज के दिन में, आगे भी हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। पासवान जी का जो हत्या हुआ, मुआवजा के मामले में क्या कुछ मुआवजा दिया जाएगा या? हम लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, माननीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से भी अनुरोध करेंगे
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके, जिला प्रशासन से आग्रह करके, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया का मुआवजा और एक बेटी को लोन दे सकता है। क्या पर्चा दे दीजिए? संजय पासवान, प्रधान मंत्री, बिहार प्रदेश, लोकसभा, रामगढ़ से।